विद मीनू चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अलग ही तरह की रेसिपी आपके सामने लेकर आए हैं। तो रेसिपी बनाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने फीडबैक कमेंट हमें देते रहिए। बेल आइकॉन दबा दीजिए जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम गुड़ के गुलगुले बनाएंगे। इसे गुलगुले बोलिए, अप्पे बोलिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने 200 ग्राम मैदा लिया है, तो 100 ग्राम हमने गुड़ लिया है। इधर एक बर्तन गरम करेंगे, इसमें हम गुड़ को डाल देंगे और आधी कटोरी इसमें हम पानी डालेंगे और गुड़ को पूरा अच्छे से मेल्ट होने देंगे। मेल्ट होने के बाद इसे हमें तार नहीं बनाना है, बस हमें गुड़ को कंटिन्यू इस तरह से चलाते हुए गुड़ को मेल्ट कर लेना है। और जब मेल्ट हो जाए तो फिर इसे हम ठंडा करेंगे और ठंडा करके छान लेंगे। ये गुड़ को हमने छान करके ठंडा कर लिया है, इसे साइड में रखेंगे। और ये हमने मैदा जो लिया है इसे बड़े बाउल में शिफ्ट करेंगे। इस समय ये हमने छोटी वाली सौंफ लिया है, इसकी टेस्ट इसमें बहुत अच्छी आती है, तो आप इस तरह से हल्का सा क्रश कर लें। और ये 2 से 3 इलायची को हमने कूट करके पाउडर बना लिया है। 1 से 2 चम्मच हम कुकिंग ऑयल डालेंगे, ज्यादा नहीं डालना है। इन सब को मिक्स करेंगे और गुड़ को, गुड़ का सिरप जितना है पहले इसे हम यूज करेंगे। और लगेगा फ्रेंड्स तो हम थोड़ा पानी और ऐड करके इसका एक अच्छा सा, जैसे इडली का बैटर का घोल बनाते हैं या जैसे आप बड़े का घोल बनाते हैं, तो उस तरह से एक घोल बना करके हम रेडी करेंगे। पहले ये गुड़ का पानी हम यूज करेंगे और जरूरत पड़ने पे थोड़ा हम सादा पानी भी हम यूज करेंगे। अगर आपको थोड़ा क्रिस्पी बनाना है तो इसमें आप चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ा पानी मिला करके हम एक अच्छा सा बैटर बनाकर रेडी, ये इस तरह का घोल बना करके हमने रेडी किया है। देख सकते हैं इतना गाढ़ा है। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच हम इनो फ्रूट सॉल्ट डालेंगे और आधी छोटी चम्मच पानी भी, जो कि इनो को फटाफट हमें मिक्स कर लेना है। और उधर कुकिंग ऑयल भी गर्म होने रखा है, क्योंकि इनो डालने के बाद इसे हमें रेस्ट में बिल्कुल नहीं रखना है। इसे फटाफट मिक्स करने के बाद बनाना चालू करेंगे, क्योंकि अगर इसे हम इनो डालने के बाद अगर हम रेस्ट में रखेंगे तो जो हमने इनो डाला है वो फिर से वो बैठ जाता है और उतना फ्लफी नहीं बनेगा। थोड़ी मेहनत तो लगती है फ्रेंड, लेकिन बहुत ही टेस्टी, काफी अच्छी बनती है। तो ये मिक्स हो गया, इसे हम हाथ से ही इतने बड़े बड़े इस तरह से डालेंगे। बहुत ही टेस्टी और अच्छा बनने वाला है ये। इसे लोग अलग अलग नामों से बोलते हैं। एक बार में जितना आएगा कढ़ाई में डालिए और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे आप फ्राई कर लीजिए। अगर आपको लगता है फ्रेंड तो आप गेहूं के आटे में भी इसे बना सकते हैं। ये काफी अच्छे से देख सकते हैं, एकदम ही फूले फूले और कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। देखिए बहुत ही टेस्टी बना है। इस तरह से ऑयल को, एक्स्ट्रा ऑयल को हम रोक कर निकाल लेंगे। सारे अप्पे हमने इस तरह से बना करके रेडी किया है। बनाना भी बहुत आसान है, ये फटाफट बन जाता है फ्रेंड। इसे जरूर ट्राई कीजिए और अपने हमें फीडबैक कमेंट देते रहिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियो की भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
देखिए कितने अच्छे अप्पे बन करके रेडी हो गए हैं, बहुत ही टेस्टी और काफी अच्छे अप्पे है ना, बहुत ही सुंदर। आपको एक जो ठंडा हो गया है उसे तोड़ के दिखाऊंगी, एकदम ही अंदर से पूरा देख सकते हैं जाली जाली जैसा पूरा, बहुत ही अच्छा और टेस्टी बन करके रेडी हुआ है। तो इसे आप ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक हमें देते रहिए। तो हमारे अप्पे बन के रेडी हो गए, बहुत ही अच्छा। इसके साथ किसी और चीज की जरूरत नहीं है फ्रेंड, आप इस लॉकडाउन में इस तरह के बनाइए और बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए, देखने में भी सुंदर और टेस्टी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।